सबसे पहले तो आप ये पेमेंट प्रूफ देख लें। अब यहाँ पे आप देखें, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर आपने ये यहाँ पे इसको एडिट किया हुआ है, तो भाई यहाँ पे मैं कुछ एडिट नहीं करता, यहाँ पे जो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, अगर कोई और आपको इस तरह का प्रूफ भी दिखाए तो आप ये समझे कि वो 100% ओरिजिनल है। अब यहाँ पे दोबारा मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ और दोबारा यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखें $802। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो यहाँ पे मैं पेमेंट्स पे जाके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो हमने विड्रॉ लिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब ये ओल्ड वेबसाइट है जिसपे हमने पहले काम किया था, उसके बाद काम छोड़ दिया किसी इशू की वजह से, तो ये जितने भी पेमेंट प्रूफ हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरे महीने तक हमने इस पे काम किया था। इससे ज्यादा आपने प्रूफ देखना है तो आप इससे पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने एक और अकाउंट का आपको प्रूफ दिया है $1300 का। आज की वीडियो में जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो है गूगल और चैट जीपीटी एंड एड्स टेरा को यूज करके आप हाई सीपीएम भी ले सकते हैं। डायरेक्ट लिंक पे आपको लाखों में ट्रैफिक आएगा। ये कुछ भी नहीं है, ये हमने जस्ट टेस्ट करके यहाँ पे इतनी अर्निंग की है $802। अब यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा, वन टाइम एफर्ट होगी, आपको एक बार मेहनत करनी है आर्टिकल पे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कीवर्ड्स नहीं निकाल सकते समरश या HRF टूल से, तो आज की वीडियो में मैं आपको फ्री कीवर्ड लिस्ट देने वाला हूँ जिसपे जस्ट आपने आर्टिकल लिखना है और आपका आर्टिकल 100% रैंक हो जाएगा। और आपने आर्टिकल भी लिखना है चैट जीपीटी की मदद से। अगर आप पिंटरेस्ट को यूज करके एड्स टेरा से अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है इस वीडियो को, तो ये वीडियो आप वॉच कर लें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर कंटेंट पसंद आता है तो। अब सबसे पहला तो ये अकाउंट है, मैंने आपको ये चेक करवा दिया, उसके बाद मैं दोबारा से आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये ही अकाउंट है और कुछ भी नहीं है, इसमें चेंजेस वगैरह नहीं है, दोबारा आप देख लें इसको। दूसरे वाला अकाउंट ये वाला है जिसपे अभी काम चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे इतने डॉलर्स बन चुके हैं। इसको भी मैं आपको रिफ्रेश करके दोबारा से चेक करवा देता हूँ कि इस पे कितने डॉलर्स बने हुए हैं और यहाँ पे ये डॉलर्स अभी बन रहे हैं। ये हमारा तीसरा अकाउंट है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, अभी हमने इसको स्टार्ट किया है, अभी $10 इसमें कंप्लीट हुए हैं और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करके दिखा देते हैं, यही $10 इसमें अभी हैं। और चौथा ये अकाउंट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसमें $1300 बन चुके हैं, $1329। अगर हम इसको रिफ्रेश करके दिखाते हैं आपके सामने, कोई बीच में एडिटिंग वगैरह नहीं है, यहाँ पे दोबारा से आप देखें तो इसको $1329 यहाँ पे बन चुके हैं। अगर इसके विड्रॉ की बात करते हैं, पेमेंट्स में आते हैं, यहाँ पे स्क्रोल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे इसका विड्रॉवल जो है वो भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कितने विड्रॉ यहाँ से ले चुके हैं, $1245 इसमें विड्रॉ हो चुका है। अब बात करते हैं हमारे कोर्स की, जो कि हमें डेली कोई ना कोई कमेंट या कोई ना कोई मैसेज देखने को मिलता है, मेरे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हमें काम नहीं आता, हमें आप हाथ से पकड़ कर सिखाएं, तो उनके लिए हमने पेड कोर्स लॉन्च किया है। ये पेड कोर्स ऐसा नहीं है कि हमने आपको वीडियोज में झूठ बोला है और हम इसमें आपको सच बताएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑलरेडी आपको शायद पता होंगी, लेकिन हमारा जो ये पेड कोर्स होने वाला है मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि इसकी स्मॉल फी है, बहुत ही कम फी है जो कि हर कोई पे कर सकता है। एक मंथ तक हम आपको सिखाएंगे कॉल पे भी और आपको सेटअप करने में भी आपकी हेल्प करेंगे, जब तक आपका सेटअप कंप्लीट नहीं हो जाता इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। अब ये कोर्स आपने ज्वाइन कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ। अब मेरे नाम से बहुत सारे फेक ग्रुप्स बने हुए हैं, लोगों ने मेरा जो एडसेंस की प्लेलिस्ट है उसको कॉपी करके उसको कोर्स बना के लोगों को सेल किया है 5-5 हजार में। ये मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा सकता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन उनकी मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ कि लोग मेरे नाम से बहुत सारे फेक ग्रुप्स लोगों ने बनाए हुए हैं, अकाउंट्स बनाए हुए हैं, चैनल्स बनाए हुए हैं, तो जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मेरा चैनल ऑर्गेनिक आप देख लें, ये मेरा चैनल होना चाहिए, सब्सक्राइबर ये होना चाहिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वो आपने ज्वाइन कर लेना है। थोड़े ही दिनों तक हम कोर्स को लॉन्च कर देंगे और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्दी से जल्दी इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हम बहुत ही कम लोगों को तरीका सिखाएंगे और ये तरीका हम ज्यादा लोगों को नहीं सिखा सकते और यूट्यूब पे शेयर इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पहले ही एक डायरेक्ट लिंक का फेसबुक वाला मेथड शेयर किया और वो मेथड कंप्लीट पैच हो गया, जो लोग वहां से अर्निंग कर रहे थे वो भी अब नहीं कर सकते क्योंकि वो डिटेक्ट हो गया। इसीलिए हम बहुत ही कम लोगों को यहाँ पे सिखाते हैं, इसीलिए हम पेड कोर्स लॉन्च करते हैं। अब ये जो मैंने आपको प्रूफ दिखाया ये बहुत ही कम है, जब हम पेड कोर्स लॉन्च करेंगे इसमें हम आपको कंप्लीट पहले आपको सर्टिफाई करेंगे, आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद एड्स टेरा वालों के साथ हमारा क्या कॉन्टेक्ट है,
उनसे हम क्या हेल्प लेते हैं आपके बारे में जितना हो सकता है। अगर आपका कोई अकाउंट वगैरह डिसेबल हो जाता है वो सभी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बाद ही हम आपको पेड कोर्स करवाएंगे। तो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। उसके बाद जो भी फी पे करेगा वो हमारे कोर्स में एनरोल हो सकता है। अब आज की वीडियो की बात करते हैं। आज की वीडियो में जो आपको फ्री मेथड बताने वाला हूँ बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। अब लोग यहाँ पे फ्री में किस तरह से ट्रैफिक लेते हैं और आपको क्यों नहीं बताते, इसकी सबसे बड़ी रीजन ही यही है। जिस मेथड पे वो काम कर रहे होते हैं, अगर ये मेथड सभी को पता चल गया आपको तो मार्केट सैचुरेटेड हो जाएगी, उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा और जो अर्न कर रहे हैं वो भी नहीं कर सकेंगे और जो दूसरे लोग आएंगे वो खामखा का कंपटीशन बढ़ा देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, बहुत ही कम लोगों ने आपको ये शेयर किया है। यहाँ पे ये सेमरश का टूल है जहाँ पे हम अपने कीवर्ड्स चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड पर हम काम कर रहे हैं तो हमें ट्रैफिक मिलेगा। आज की वीडियो में जो मैं आपको समझाऊंगा वो है एपीके से रिलेटेड। यहाँ पे मैं एपीके सर्च करता हूँ। अब ये पेड टूल है सेमरश, आप इसको देखकर परेशान ना हो। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, चैनल ज्वाइन कर रखा है, तो उसमें मैं आपको फ्री कीवर्ड लिस्ट दूंगा। ये जो मैं आपको फ्री कीवर्ड निकाल के दे रहा हूँ वहां पे मैं फ्री में शेयर कर दूंगा। आप सभी लोग इसको जस्ट कीवर्ड को निकालें, उसको एनालाइज करें और उसको यूज करें, उस पर आर्टिकल लिखे, सभी कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं, डोमेन ओवरव्यू है। यहाँ पे आपने कीवर्ड मैजिक अगर किसी के पास है तो आपने यहाँ पे इस तरह से काम करना है जिसके पास ये सेमरश का टूल है। यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है एपीके। एपीके सर्च करके अगर आपने यूएसए से ट्रैफिक लेना है तो यहाँ पे यूएसए सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसको सर्च करना है। अब एपीके से रिलेटेड यहाँ पे आप देखें यूएसए में कितने सारे कीवर्ड्स हैं और इनका ट्रैफिक कितना है। तकरीबन यहाँ पे 9 मिलियन इसका ट्रैफिक और एवरेज कैडी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है 25 है। और यहाँ पे अब सभी कीवर्ड्स हैं जिनको हम कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते, बहुत ही हाई अथॉरिटी वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉर्टिंग करने के लिए यहाँ पे हम केडीपी क्लिक करेंगे। अब ये कीवर्ड डिफिकल्टी होती है कि कितना इजी है, कितने कीवर्ड्स हैं जिन पे हम इजीली काम कर सकते हैं। तो अगर आपकी साइट बिल्कुल भी फ्रेश है तो आप यहाँ पे 0 to 20 अगर आप करेंगे तो आपकी बिल्कुल फ्रेश साइट पे भी आपको इंस्टेंट ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे केडी सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद हमारे पास जो कीवर्ड बचे हैं वो 11,000 हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जिन कीवर्ड पे थोड़ा सा ट्रैफिक है वो भी हमें नहीं चाहिए, तो हम कहते हैं कि मिनिमम जो कीवर्ड स्टार्ट हो वो 500 से स्टार्ट हो, या बिल्कुल फ्रेश हैं अगर आप तो यहाँ पे 100 वाले कीवर्ड्स को भी, 200 वाले कीवर्ड्स को भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मिनिमम 200 वॉल्यूम का कीवर्ड रखा, तो यहाँ पे हमारे पास 800 ऐसे कीवर्ड्स आ चुके हैं जिन पे आप अगर आर्टिकल लिखते हैं तो आपको इंस्टेंट ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतने सारे कीवर्ड्स। अब मैं इनको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और यही जो शीट है CSV शीट है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप में। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारे के सारे कीवर्ड्स आप फ्री में यूज कर सकते हैं। इसको हम ओपन करते हैं, ये हमारे पास कीवर्ड्स आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपने इनको यूज कैसे करना है, ये हमारे पास कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे इनका वॉल्यूम है, इनकी केडी है और यहाँ पे ये कीवर्ड्स हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे गलत कीवर्ड्स भी आ जाते हैं तो आपने उनको इग्नोर कर देना है। यहाँ पे यूएसए में क्या सर्च किया जाता है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये वाली कोई गेम है, इसको सर्च किया जाता है, इसको आपने कॉपी करना है। अब जिस चीज पे आपने आर्टिकल लिखना है वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसका मंथली वॉल्यूम 8,000 है। अगर आप इस तरह के 3-4 कीवर्ड्स पे काम करते हैं, हर कीवर्ड पे अगर आपको इतना इतना ट्रैफिक मिलता है, अगर आपके 10-12 कीवर्ड्स भी हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि मंथली आपको कितना ट्रैफिक मिलेगा स्टार्टिंग में ही। तो कीवर्ड को एनालाइज करने के लिए क्या करना है, आपने कीवर्ड को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने सर्च बार में, गूगल सर्च बार में आ जाना है और यहाँ पे ऑल इन टाइटल आगे कॉलन लगाना है। उसके बाद आगे आपने अपना कीवर्ड पेस्ट कर देना है। इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे 81 रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये कीवर्ड ठीक नहीं है तो हम इसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पॉटिफाई है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसी तरह आपने यहाँ इसके आगे ये कीवर्ड पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे इसके रिजल्ट्स ज्यादा हैं, लेकिन आपने जो दूसरा काम करना है वो ये देखना है कि जो पहले नंबर पे साइट्स रैंक कर रही हैं उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी, उनमें उसका जो रैंक है, वेबसाइट की अथॉरिटी है डोमेन की, वो कितनी है, ये चीजें सबसे पहले आपने चेक करनी है। अब ये अथॉरिटी चेक करने के लिए आपने क्या करना है, मोज बार, ये एक्सटेंशन होती है मोज बार, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने क्रोम ब्राउजर में। ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, इसको अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी वेबसाइट के नीचे जो पेज अथॉरिटी या डोमेन अथॉरिटी होती है वो आपको शो हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर कोई 20-25 तक कोई साइट रैंक हो रही है तो उसको आप इजीली कम्पीट कर सकते हैं। उसको कम्पीट करने का तरीका क्या है, अगर यहाँ पे कोई पेज अथॉरिटी 20 है तो आपने उस आर्टिकल को यहाँ से ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये
आर्टिकल लिखा हुआ है, ये बहुत ही शॉर्ट सा आर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे पहले ही पेज पे रैंक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आर्टिकल है इससे थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल आपको लिखना पड़ेगा, बाकी ये जो डाउनलोड लिंक है ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्टेप्स की तरफ कि आपने स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने वर्डप्रेस की एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। अब जिनके पास इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी $20-$25-$30 वो तो अभी स्टार्ट कर लेंगे, अब जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्री वर्डप्रेस एंड सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री में। अब वेबसाइट आपने किस तरह से क्रिएट करनी है, अब मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा अफिलिएट लिंक, उसको आपने ज्वाइन करना है और उससे आपने होस्टिंग परचेज करनी है। अब उसका फायदा क्या होगा आपको, आप ये सोच रहे होंगे कि ये आपने फायदे के लिए बता रहे हैं, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले मैं इनकॉग्निटो मोड में आते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं होस्टिंगर। होस्टिंगर के आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पे क्लेम डील पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रीमियम होस्टिंग क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने 12 मंथ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है आपकी वो है $35। अब अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन करते हैं, जो कि ये वाला लिंक होगा, आपने यहाँ से ज्वाइन करना है और यहाँ पे आपने क्लेम डील पे क्लिक करना है। सेम आपने वही प्लान चूज करना है, यहाँ पे भी आपने 12 मंथ चूज करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको $28 में ये मिलेगा, सेम प्लान आपको $28 में, $7 आपको यहाँ पे बचत हो गई। अब $7 पाकिस्तानी 2000 रुपए बनते हैं, अगर आप मेरे अफिलियट लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको 2000 बचत हो जाती है। अब आपने अपनी वेबसाइट को कुछ इस तरह से डिजाइन कर लेना है, वेबसाइट में आपने जो थीम यूज करनी है उस थीम का नाम है ये वाला। अब इसकी डिटेल मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, ज्यादा वीडियो पे स्ट्राइक आ जाती है। तो ये जो थीम है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और वेबसाइट की आपने ऑन पेज एसईओ कर लेनी, अगर आपको ये सभी चीजें नहीं आती तो आपने मेरे चैनल पे आ जाना, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी एडसेंस अप्रूवल गाइड्स, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस सेटअप की और कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये आप वॉच कर सकते हैं ऑन पेज एसईओ वगैरह करने के लिए। अब दूसरे नंबर पर बात आती है एनालाइज कीवर्ड। एनालाइज कीवर्ड का मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने यहाँ से कीवर्ड कॉपी करना है, जिस तरह ये हो गया इजी फ्लैशिंग FRP, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ गूगल में आ जाना है, ऑल एंड टाइटल कॉलन लगा के आगे आपने अपना कीवर्ड पेस्ट करना है और यहाँ पे इसको सर्च करना है। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ओल्ड डेटा पड़ा हुआ है, न्यू डेटा भी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने अब चेक करना है कि कौन सी वेबसाइट की अथॉरिटी कम है। अब ये तो पहली वेबसाइट की अथॉरिटी कम है, ये तो आप पहले नंबर पे आ सकते हैं अभी के अभी। अब ये देखिए आप 15 पेज अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी 19 है। अब इस आर्टिकल को आपने कर लेना है ओपन। अब यहाँ इस आर्टिकल को आपने देखना है कि ये कितना लॉन्ग आर्टिकल है। यहाँ पे हम देखते हैं ये आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक खत्म हो जाता है, ये कोई ज्यादा आर्टिकल नहीं है, यहाँ से हम इसको कॉपी करके देख सकते हैं, ये आर्टिकल यहाँ तक है। अब अगर इस आर्टिकल से थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल आप लिखते हैं और थोड़ा सा डिटेल के साथ लिखते हैं तो 100% आपका भी यहाँ पे पहले ही नंबर पे आपकी वेबसाइट, इससे भी ऊपर आपकी वेबसाइट आ जाएगी और आपको पहले ही दिन से जस्ट एक ही दिन में अगर आपकी पोस्ट इंडेक्स हो जाती है तो आपको यहाँ पर ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है कि आपने आर्टिकल किस तरह से लिखना है APK का। बहुत ही ईजी है, जिस भी टॉपिक पे आपने आर्टिकल लिखना है उसका आपने डेटा कॉपी कर लेना है, ये जितना भी आर्टिकल है यहाँ पे मैंने इसका डेटा कॉपी कर लिया। उसके बाद आपने चेक करना है कि इसमें हेडलाइंस कितनी है, एक हेडलाइन है, दो, तीन, चार, पांच, यहाँ पे टोटल 10 हेडलाइंस हैं। तो आपने इस आर्टिकल को कॉपी कर लेना है, ChatGPT में आ जाना है और यहाँ पे आपने इसको कमांड देनी है जनरेट 13 आउटलाइंस। यहाँ पे आपने अगर वहां पे 8 हैं तो यहाँ पे आपने 2-3 आउटलाइंस ज्यादा कर देनी है, 13 आउटलाइंस। उसके बाद आपने इस तरह कॉलन लगाना है, आगे आर्टिकल पेस्ट कर देना है और एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे ChatGPT यहाँ से आउटलाइंस को जनरेट कर देगा। अभी आप देख सकते हैं कितनी आउटलाइंस यहाँ पे आ चुकी हैं। अब आपने इसको कहना है कि इन आउटलाइंस को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें, ये आपने इसको कमांड देनी है, एक्सप्लेन ऑल आउटलाइंस इन डिटेल्स, ह्यूमन लाइक कंटेंट एंड 100% यूनिक। इसको आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। समटाइम अगर आपको ये रिप्लाई ठीक नहीं देता, जैसे मैंने इसको यहाँ पे ये कहा तो इसने दोबारा से वही कंटेंट जनरेट करके दे दिया। अब मैंने इसको बोला कि यहाँ पे राइट पैराग्राफ अंडर ऑल द आउटलाइंस, ये आप इसको कमांड देंगे तो यहाँ पे आप देखें कि इसने यहाँ से कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। अगर कहीं पे कंटेंट रुक जाता है तो यहाँ पे आपने कंटिन्यू जनरेट पे क्लिक करना है और ये आपको कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे लिख कर दे देगा। अब यहाँ पे मैं ज्यादा आर्टिकल आपको नहीं लिख के दे रहा क्योंकि यहाँ पे टाइम काफी, वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अब आपने इस कंटेंट को कॉपी कर लेना है, आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट में, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है।
अब इस थीम का फायदा यह है कि आपको यहाँ पे सभी फंक्शनैलिटीज मिल जाती हैं, जिसमें टोटली एपीके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। आप इसको डाउनलोड लिंक वगैरह भी दे सकते हैं, अपने एड स्टारा का लिंक भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, ये हमारा पेस्ट हो चुका है। उसके बाद आपने इसका टाइटल दे देना है। अब टाइटल आपने किस तरह का देना है, अब लोग जिस तरह का यहाँ पे टाइटल यूज कर रहे हैं वही आपने टाइटल यूज करना है। जिस तरह ये वाला टाइटल है तो आपने इसको कॉपी कर लेना है और इसको आपने यहाँ पे यूज कर लेना है। उसके बाद स्क्रोल डाउन करना है, यहाँ पे आप कैटेगरी वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी आपको बताया हुआ, ये कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे लिख लेनी है, यही वाली, यहाँ से आपने कुछ डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो वर्जन होता है वो आपने कोई भी यहाँ पे वर्जन दे देना है। 8 कौन सा चल रहा है वो आपने उस एप्लीकेशन का देख लेना है, कौन सा वर्जन चल रहा है। मैं यहाँ पे 8.0 कर रहा हूँ। साइज यहाँ पे कितना है उस एप्लीकेशन का वो भी आपने चेक कर लेना है। मैं यहाँ पे कहता हूँ 45 MB है। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, ये आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउनलोड कितनी है, आपने यहाँ पे कुछ भी डाउनलोड लगा देनी है। और एवरेज रेटिंग क्या है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 4.5। और यहाँ पे भी मैं इसको वॉट्स दे देता हूँ। अब यहाँ पे बारी आती है कि ये गेम है, ऐप है या क्या है, तो आपने इस चीज का यहाँ पे ख्याल रखना है। ये आपने कैटेगरी सही से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, फ्री है, ये आपने कर लेना है। अब बात आती है यहाँ पे आपने इमेजेस वगैरह अपलोड करनी है। जिस तरह का आप इसको स्क्रोल डाउन करते हैं तो यहाँ पे ये वाले जो इमेजेस हैं ये आपने लगा लेनी है। एक मैं आपको इमेज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इमेजेस आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करनी है, जितनी भी इमेजेस होंगी आपने अपलोड कर लेनी है। अब ये हमारे एक इमेज भी सैंपल अपलोड हो चुके हैं। अब बारी आती है यहाँ पे आपने एड्स कैसे लगाने हैं। भाई अर्निंग तो यहाँ से स्टार्ट होती है ना, कि आपने अर्निंग कैसे लगानी है, यहाँ से अर्निंग कैसे करनी है। उसके लिए आपने आ जाना है अपने एड्स टेरा के अकाउंट में, डायरेक्ट लिंक पे आ जाना है और यहाँ से आपने अपनी कोई भी डायरेक्ट लिंक कॉपी कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो लिंक्स मिल रहे हैं आपने यहाँ पे लिंक्स लगाने हैं। सबसे पहला जो आपका लिंक होगा वो यहाँ पे आपने लिंक पेस्ट कर देना है और दूसरा यहाँ पे आपने लिख देना है डायरेक्ट डाउनलोड। उसके बाद दूसरा जो लिंक होगा वो आपने ओरिजिनल उठाना है इस एप्लीकेशन का जो आप पोस्ट कर रहे हैं। जैसा कि फर्ज करें ये वाला है तो यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे इस एप्लीकेशन का लिंक पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा मिरर 1। और यहाँ पे भी आप कोई भी लिंक लगा के यहाँ पे मिरर 2 कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद यहाँ पे आपने फीचर्ड इमेज लगानी है। फीचर्ड इमेज के लिए आपने उस एप्लीकेशन का नाम यहाँ से कॉपी करना है, गूगल में जाके पेस्ट करना है, इमेजेस पे सर्च करना है और यहाँ पे जो भी आपको इमेज मिलती है आपने उस इमेज को यूज कर लेना है और इस इमेज को यहाँ पे आपने फीचर्ड इमेज में लगा लेना है। बाकी ये जो SEO सेटिंग है ये आपने कर लेनी है मेरी वीडियोस देखकर। अब हम इसको करते हैं पब्लिश। ये हमारी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने ये वाली वेबसाइट आ चुकी है। ये हमारी एप्लीकेशन अभी जो हमने पब्लिश की है। अब अगर कोई इस पे क्लिक करता है, जाहिर सी बात है आपने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ पे आर्टिकल लिखा है, 100% लोग यहाँ पे आएंगे। और ये आपने आर्टिकल भी यहाँ पे इस तरह से लिखना है डिजाइन करके, तो लोग यहाँ पे आएंगे। उसके बाद बात आती है डाउनलोड करने की। अब यहाँ पे अगर कोई भी इसको डाउनलोड करता है, डाउनलोड पे क्लिक करता है तो एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पे टाइमर लगेगा 5 सेकंड का और 5 सेकंड के टाइमर के बाद यहाँ पे आपको दो लिंक्स मिल जाएंगे, एक है डायरेक्ट डाउनलोड लिंक और है मिरर 1। अब मिरर 1 में आपने यहाँ पे ओरिजिनल लिंक्स देना है और यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड पे लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ही डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। अगर वो यहाँ पे क्लिक करता है तो वो सीधा पहुंच जाएगा दूसरे लिंक पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा से यहाँ पे लोड होगा। अब यहाँ पे भी आपने एड्स लगाने, वो किस तरह लगाने वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई दोबारा से डाउनलोड पे क्लिक करता है तो वो सीधा चला जाएगा हमारे डायरेक्ट लिंक पे। ये डायरेक्ट लिंक ओपन हो गया। अब बात आती है कि आपने एड्स कैसे लगाने हैं। एड्स के लिए सबसे पहले तो आपने अपनी वेबसाइट को यहाँ पर ऐड कर लेना है। ये ऑलरेडी आपने वीडियोस देख लेनी है, ये कोई नई बात नहीं है। 30 से 35 वीडियोस मैं बना चुका हूँ, यहाँ पे आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं एड्स टेरा के प्लेलिस्ट में। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट में जितने भी आपने बैनर एड्स वगैरह लगाए होंगे वो आपने कॉपी कर लेने हैं। जैसा कि ये बैनर एड है, मैं इसको रिसबमिट करता हूँ, गेट कोड पे क्लिक करना है और इसका कोड कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पे थीम की सेटिंग है इसके आपने पैनल में आ जाना है और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कोड पेस्ट कर देना है। ये हेडर ऐड हो गया, ये मोबाइल के लिए हेडर हो गया, ये जितना भी होम पेज है सेटिंग वगैरह जहाँ पे भी आप इसको शो करवाना चाहते हैं आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ये जितने भी है डाउनलोड 1 होगा, डाउनलोड 2 या डाउनलोड 3, आपने सभी पे अपने ऐड लगा देने हैं और वो ऐड शो कैसे होंगे वो भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सभी एड्स लगा दिए हैं। अब हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, इस पोस्ट को हम दोबारा से ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ये एड आ चुका है, यहाँ पे ये भी एड आ चुका है
अब अगर हम इस डाउनलोड पेज को क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे भी ये वाला एड शो हो रहा है, दो एड शो हो रहे हैं और यहाँ पे तीन चार एड यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर कोई डायरेक्ट डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करता है दोबारा से यहाँ पे उन लोगों को एड शो होंगे, तो इससे आपके ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन होंगे और यहाँ से आपकी अर्निंग होगी। अगर कोई फिर डाउनलोड पे क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट लिंक उसके सामने ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपकी अर्निंग होगी। अब ये वाला जो मेथड है ये हम खुद यूज कर रहे हैं, इसके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास होस्टिंग वगैरह के पैसे नहीं है या ये सेटअप करवाना चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको ये कंप्लीट सेटअप करके दूंगा और आपसे कोई ज्यादा चार्जेस नहीं लूंगा, मार्केट से बहुत ही आधी कीमत में आपको ये वेबसाइट बना के दूंगा कंप्लीट सेटअप के साथ। ये जो कीवर्ड लिस्ट है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इन तमाम पे आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि रिपीटेड, अगर आपको यहाँ पे गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है तो आपने एक ये काम करना है कि आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है। आपने डेली यहाँ से कीवर्ड को एनालाइज करके यहाँ पे आपने आर्टिकल लिखना है, और आर्टिकल लिखना भी बहुत ही ईजी है, मैं आपको बता दिया, चैट जीपीटी से आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने ये डेली काम करना है। जब तक आपकी वेबसाइट पे दिन में 30,000, 40,000, 50,000 तक ट्रैफिक नहीं आता, आपने यहाँ पे डेली इस पे पब्लिशिंग करनी है और यहाँ पे आपको 100% गारंटी के साथ आपको ट्रैफिक मिलेगा। अगर आपको ट्रैफिक ना मिले तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। उम्मीद है ये आज का जो मेथड है आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको ये मेथड पसंद आता है इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपने पेड कोर्स को ज्वाइन करना और ऑटोमेशन सीखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पेड कोर्स का, आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जल्दी वहां पे आपको आउटलाइंस बता दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।